she हेलो डीडी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारी फिल्मी दुनिया में हीरो जो होते हैं उनकी उम्र काफ़ी लंबी होती है काफ़ी लंबे अरसे तक वो इस पर्दे पर जगमगाते रहते हैं जबकि हीरोइंस की पर्दे पर की उम्र काफ़ी छोटी होती है यानी कुछ समय तक लोगों के दिलों पर राज करने के बाद ये हीरोइंस गुमनामी के अंधेरे में खोसी जाती हैं लेकिन हमारी आज की मेहमान वो खुशकस्मत अभिनेत्री हैं जो इस साल बॉलीवुड में 50 साल पूरे कर रही हैं और चश्मे बद्दूर आज भी उनकी व्यस्तता कहीं कम नहीं हुई है तो स्वागत कीजिए हमारी आज के मेहमान सुप्रसिद्ध अभिनेत्री शुभा खोटे जी का नमस्ते शुभा जी आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम हेलो डीडी में 1955 से लेकर 2005 तक का ये जो

कि कॉमेडियन बनने के लिए या तो एकदम मोटे से या कुछ भद्दे से या कुछ अजीब कुछ तो अजीब होना चाहिए वो तो अभी हो ही गई मैं नहीं क्योंकि कॉमेडी इज नॉट जस्ट ये मतलब uh, बफुनरी तो नहीं है ना उसके लिए कॉमेडी के लिए यू नीड टाइमिंग ऑल्सो तो टाइमिंग बहुत जरूरी होता है आई फॉर्चुनेटली I think I've taken it from my father. मेरे पिताजी भी बड़े कॉमेडियन थे आर्टिस्ट थे तो वो शायद मैंने इनहेरिट किया है एंड मेरी टाइमिंग बहुत अच्छी थी आपने तो मुंबई के विल्सन कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर फ्रेंच लिटरेचर लेके ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के लिए लिए थे मैंने। तो फिर फिल्म लाइन में आप कैसे आ गए? वैसे मेरा प्लान नहीं था फिल्म लाइन में आने का लेकिन पता नहीं मतलब शायद इट इज इन द ब्लड तो hmm. वो अपने आप में आ गई क्योंकि आई वाज़ अ स्पोर्ट्स वूमन में चैंपियन थी ऑल इंडिया चैम्पियन थी बिटवीन 52 टू एंड फिफ्टी एंड मेरी एक फोटो आई थी स्क्रीन hmm. में hmm. तो वो देखने के बाद अमिया चक्रवर्ती ने मुझे बुला लिया फॉर द रोल इन सीमा और बस उसके साथ उसके बाद फिल्मी करियर शुरू हो गया सीमा पहली 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 फिल्म फिल्म थी और पहली फिल्म में बढ़िया रोल था किस तरह की तो वहाँ की दुनिया और ये फिल्मी दुनिया मेरे लिए कोई अजीब बात नहीं थी क्योंकि मेरे पिताजी इसी लाइन में थे तो मैं कभी कभी उनके साथ शूटिंग में भी जाती थी और थिएटर में तो मैं हमेशा उनके साथ रहती थी, थी जब भी रिहर्सल वगैरह के लिए जाते थे तो मैं हमेशा उनके साथ जाती थी आपके लिए शुभा जी फोन आने शुरू हो गए डोम्बीवली हाँ। से फोन है भारत का हेलो हेलो हाँ जी पूछिए हाँ। सवाल नमस्कार शुभा जी आपने अभी तो फिल्म क्या रहे का श्रेय आप किस पे जाना चाहती है और क्वेश्चन दूसरा ऐसा है की आपने अभी तक जो भी रोल किए उनमें आपको सबसे अच्छा रोल कौन सा लगा जो आपको जिंदगी में यादगार रहेगा धन्यवाद पहला तो ये फिल्मी फिल्मों में आने का श्रेय किसको आप देंगी और यादगार रोल आपका कौन सा है श्रेय मतलब पहले तो मेरे पिताजी का बैकिंग था मेरी फैमिली का बैकिंग था ही और अमिया चक्रवर्ती ने मुझे पहला चांस दिया कोई स्क्रीन टेस्ट भी नहीं ली मुझे सिर्फ देख के मुझे रोल दे दिया साइकिलिंग वाली लड़की को सीधे फिल्म में ले फिल्म। लिया और उनका ये पूछना है भारत का कि आपको अपना यादगार रोल कौन सा लगता है यादगार रोल भाई हर आर्टिस्ट के लिए यादगार रोल आने वाला होता है और मैं भी यही कहूँगी कि वो अभी तक आ रहा है मैं इंतज़ार कर रही हूँ वाह ये बताइए कि आपने जब शुरुआत की थी फिल्मों में जो हमारे यहाँ तो हमेशा ये होता है हीरोइंस होती हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलता है तो आप कभी सेट्स पर इस तरह की चीज़ें महसूस होती हैं कि जो ट्रीटमेंट है बिल्कुल नहीं नहीं बिल्कुल नहीं क्यूँकी हमारी तो आ, पैर नहीं, हमारी टीम बनी थी महमूद मैं और धुमाल साहब और आ, हम लोगों को हमेशा स्टार ट्रीटमेंट मिलता था बिकॉज वी वर वेरी इन द फिल्म किन हीरोइंस के साथ आपको बढ़िया लगता था ज्यादा फिल्में की या उस जमाने की शुरुआती दौर के शुरू में तो मैंने पहली पिक्चर नूतन जी के साथ की तो वो मेरी बहुत ही अच्छी सहेली थी शी वॉज माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड क्या बात है बहुत ही अच्छी दोस्ती अच्छा मैं उनको बहुत बहुत मानती तो गीता 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 जी के साथ मैंने काम किया गीता लवली गीता पर्सन और मुश्किल की बात ये थी कि दोनों ने हमने जो फिल्म साथ में की उसमें दोनों ने सीरियस रोल किए थे जी अब फोन है आपके लिए हुबली से सुधाकर का हेलो सुधाकर जी Ah, yes? hmm. uh, हॅलो हां जी सवाल हॅलो तुमचं पहिलं फिल्म कुठं आणि पहिली शूटिंग कुठे झालेली आहे पहिली शूटिंग पहिलं पिक्चर माझा hmm. आणि त्याची शूटिंग मुंबईतच झाली अंधेरी मधे वॉर्ड स्टूडियो मनत आता नटराज मना लग थी 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 पहले था। तो आ, अंधेरी में मॉडर्न स्टूडियो क्या था शॉट याद है आपको कैसा हुआ था पहला पहला हाँ, शॉट क्या फीलिंग थी वो उसमें उस कैरेक्टर उस का एक तकिया कलाम था क्या बात है अच्छा हाँ. तो बार बार वही लड़की को हिरोइन को देखती और वो बोलती रहती क्या बात है और वो ये क्या बात है सेंटेंस अलग अलग तरीके से अलग अलग सिचुएशन में मैंने कहा था तो उसके लिए आप यानी इन, इन चीज़ों के लिए आप लोगों को कुछ खास तरह से आपके डायरेक्टर वगैरह कुछ कहते थे या फिर ये आपके आप पर है जो आप जिस तरह करना नहीं, नहीं, वो और फॉर्चुनेटली मेरी मेरी किस्मत में मुझे ऐसे डायरेक्टर मिले जो हमको करके सिखाते थे कि ऐसा शॉट देना है अच्छा आजकल आई हैव नॉट सीन दैट काइंड ऑफ अ डायरेक्टर नॉट मैनी लेकिन उस वक्त ऐसे डायरेक्टर्स थे जो बताते थे कि ये शॉट इस तरह करना है यहाँ देखो वहाँ देखो ऐसे बोलो इस वर्ड पे स्ट्रेस दो शिवा जी आपको ये नहीं लगता कि आजकल सारे लोग ज़्यादातर जितने न्यू कमर्स हैं कहीं ना कहीं से कोई ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं किसी ना किसी इंस्टीट्यूट से या किसी व्यक्ति से जबकि आप लोगों वाली जनरेशन में शायद उस समय तो इस तरह के इंस्टीट्यूट थे भी नहीं आपको लगता है कि ये इंस्टीट्यूट सचमुच न्यू कमर्स को कुछ तैयार करके हाँ, भेज हाँ, रहे I हैं। आई थिंक दे आर वेरी लक्की कि इस तरह से मतलब दे आर वे अहेड हम लोग तो बाय ट्रायल एंड एरर सीखते गए सी, कि ये शॉट मैंने ये गलत दिया ऐसे करना चाहिए था लेकिन कम वेरी वेल ट्रेंड हम्म अच्छा अगला फोन है नासिक से है हेलो आनंद का फोन है हेलो आनंद हेलो हेलो आनंद पता नहीं, नहीं शायद कट, हाँ, गया कट गया हेलो आवाज़ आवाज़ आ नहीं रही है हमें सुनाई नहीं दे रहा है हेलो आनंद आप क्या पूछना चाह रहे हैं शायद फिर बोल सके बाद में बात करेंगे आपने महमूद साहब और धुमाल जी की बात की ना और खास तौर से महमूद जी के साथ तो आपने बहुत सारी फिल्में की हैं तो वो ट्यूनिंग कैसी थी बताइए

स्क्रिप्ट तो हो होती थी हाँ उस हाँ जमाने में ऐसे हाँ नहीं कि हाँ, हाँ, हाँ कॉमेडी करना है ये ऐसा सीन है आप लोग कर लीजिए ऐसी बात इतनी खूबसूरत लड़की हीरोइन क्यों नहीं बनी नहीं बनी क्योंकि आई चोज टू बिकम अमेडियन क्यूँकी बहुत सारी कोई नहीं थी और आई न्यू दैट आई वाज गुड एट कॉमेडी तो पर तो भी नहीं। इच्छा नहीं होती थी कि हीरोइंस के भी रोल किए जाएं किए थे ना हम्म किए थे बहुत दीदी में आई वर्क ऑपोजिट सुनील दत्त कबीरा रोया हां दीदी में सुनील दत्त के ऑपोजिट किया था रोल फिर देख कबीरा रोया में तीन हीरोइंस हाँ। थी उसमें भी मैं वन ऑफ द थ्री हीरोइंस थी हम्म अगला लेकिन हाँ। एक ड्रॉबैक था मेरा कि आई वाज नॉट अ गुड डांसर

कॉमेडियन थे अगला फोन कन्हैया का है आपके लिए हेलो हेलो हाँ जी पूछिए सवाल हाँ जी पूछिए नमस्ते शोभा फटे जी नमस्ते जी, जी मैं आपको जय उमर खान से बोल रहा हूँ मैं कन्हैया खान चंदानी बोलिए जी मेरा सवाल है आपको महमूद जी के साथ काम कर कैसा लगा बहुत कैसा महसूस कैसे एक्टर थे वो बहुत अच्छे एक्टर थे बहुत आ, बहुत दिलचस्प इंसान थे सबके साथ हंस मिल के बात करते थे फ्रॉम द स्पॉट बॉय टू द प्रोड्यूसर हर एक के साथ दोस्ती रखते थे कोई ऐसा किस्सा याद आ रहा है जहाँ पर आपको लगे हाँ इतना काम है? किया उनके साथ मैं कहाँ कौन सी बात याद रखूँ आज अब उस समय के सेट्स की आ, जो यानी जो दृश्य आँखों के सामने आता है जैसा आप बता रही कि स्पॉट बॉय से लेकर सबके साथ हुँ, इतना हुँ. अच्छा उनका व्यवहार और आज सेट्स पर कैसी क्या दृश्य होता है लोगों के एटीट्यूड में बिहेवियर में फर्क महसूस फिल्मों होता है? में आई थिंक दैट काइंड ऑफ एटमोस्फेर अभी भी है लेकिन uh, सीरियल्स का मुझे लगता कि जरा मतलब तरह इतना इतना मिलजुल कर नहीं रहते लोग जितना हम लोग फिल्मों में रहते थे इट वॉज लाइक like फैमिली जब फिल्मों में हम काम करते थे साढ़े नौ बजे से साढ़े छः बजे तक ऐसे था कि हम लोग उसी रोल में रहते थे अब पर अभी भी वही वाली सिचुएशन है कि अब परिस्थितियां बदली हैं साढ़े नौ से साढ़े छः पूरी एक शिफ्ट और सारे लोग परिवार जैसे लगे, अभी भी है। फ्रेशनेस रहती थी आजकल जो काम होता है वो सुबह साढ़े नौ बजे से रात के दो बजे तक कभी सुबह चार बजे तक चलता है उसमें कोई फ्रेशनेस नहीं रहती कोई दोस्ती नहीं रहती सब चिड़चिड़े हो जाते हैं बाय द टाइम वी पैकअप तो नेचुरली तो आपने भी वो जो शिफ्ट्स वाली बातें थी आप भी उतना रहता था जब बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं तो दो दो तीन नहीं, तीन शिफ्ट नहीं, नहीं मैं इतना ज़्यादा मतलब एक तो हम लोगों के जो अभी इस उम्र में जो कैरेक्टर्स मिलते हैं तो इतना ज्यादा काम होता नहीं है हम लोगों का नहीं नहीं पहले जिन दिनों इतना ज्यादा जैसे महमूद साहब के साथ वाला जो दौर था लगभग हम लोग नॉर्मल शिफ्ट करते थे कभी एक बार ऐसे हुआ था कि दोनों सेट ऐसे बाजू-बाजू में लगे अच्छा, थे और एक था जिद्दी का सेट जिसमें जो कलर फिल्म थी और दूसरा सेट था हमराही का और बिल्कुल नेक्स्ट डोर टू इच अदर वो ऐसा भी किया कि यहाँ से शॉट देख के मेकअप चेंज करके यहाँ गए यहाँ मेकअप चेंज करके फिर यहाँ आए ये यह एक बार हुआ है पर इतना जल्दी से यानी जो आर्टिस्ट होता है अपने कैरेक्टर को इतनी जल्दी चेंज हो जाता है अपने आप बदल जाते हैं हाँ एटलीस्ट आई कैन स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ हुबड़ी से फोन है अन्दी? वसंत का हेलो वसंत हेलो हाँ जी पूछिए सवाल हलो? जी हेलो हाँ हेलो बोलिए हाँ मेरा नाम वसंत रहा है हाँ जी नमस्ते हाँ मैं उगली से बात कर रहा हूँ तो नमस्ते नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में हमने सीमा पिक्चर देखी थी आपकी हाँ जी और वो बहुत बेहतरीन हमको लगी थी और उन्होंने उसमें आपने जो साइकिल राइडिंग की थी वो तो लाजवाब थी थैंक यू तो उस वक्त हमको हम, हमको ऐसा सुनाने में आया था कि, कि आप कॉलेज की साइकिल क्वीन और साइकिल चैंपियन थी क्या वो सच है क्या बिल्कुल सच है बिल्कुल सच है मैं कॉलेज की नहीं ऑल इंडिया की चैंपियन थी क्या बात है सीमा में आपने बलराज साहनी साहब भी थे उसमें उनके उनके साथ कुछ पूरा यूनिट जो था ना इट वाज वेरी फ्रेंडली और मुझे कभी अनकंफर्टेबल नहीं लगा हालांकि मेरी वो पहली पिक्चर ये, थी ये। लेकिन बहुत मजे से काम हुआ और बलराज जी के साथ मैंने उसके बाद एक और फिल्म की जिसमें मैंने मैं उनके ऑपोजिट थी अच्छा सुहाग <laughs> so, सिंदूर नाम था फिल्म का तो यानी ये जो पहली ही फिल्म थी आपने नूतन और बलराज साहनी साहब जैसे इतने उस समय के तो बहुत आर्टिस्ट उनके सामने खड़ा होना पहले पहले शॉर्ट में उस समय इस छोटी सी लड़की की क्या स्थिति थी नहीं एक तो स्टेज की आदत थी मैंने स्टेज पे काफी काम किया था अपने पिताजी के साथ नंदू खुटे तो नर्वसनेस नहीं था जी और मैं सेट पे काम शुरू होने से पहले भी दो तीन बार सेट पे जाया करती अच्छा, थी जानबूझ के कि मेरी सारे लोगों से पहचान हो और दोस्ती हो वेरी नाइस टू मी इतना खूबसूरत अभी मेरी प्रोड्यूसर भी यहाँ पर बोल रही कि इतनी सहजता किसी इंस्टीट्यूट में ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाएंगी। जाए yeah, अच्छा हाँ हाँ अच्छा दूसरी चीज़ ये बताइए कि जैसे आप पर बहुत सारे क्लासिकल जो शास्त्रीय संगीत पर आधारित गाने भी बहुत जैसे हमने वो अजहू न बाल, आए बालमा सुना तो इस चीज़ के लिए ख़ास कोई आप भी खुद तैयारी करती थी क्योंकि चाहे आपको सिर्फ लिपसिंग करना है पर अगर आपको वो ज्ञान नहीं है तो बात चेहरे पर नहीं आती कैसे होता था ये आ, वैसे हम लोगों को रिहर्सल तो मिलती थी मैं जी मेरे बारे में मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे गाने का बहुत शौक है तो इसलिए इट वॉज वेरी यानी आज हम एक अच्छा गाना सुन सकते हैं ना ना नॉट एनी मोर है। है। मैं शौक नहीं। था नहीं वो तो था जो कुछ होता नहीं ये चीजें हमेशा रहती हैं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आवाज उसके बाद स्पोर्ट्स की वजह से तो फिर गला अच्छा नहीं रहता उसके बाद अगला फोन आपके लिए पुणे से है सुप्रिया पाटिल का हेलो सुप्रिया हेलो जी जी शुभा कोटे जी नमस्ते नमस्ते मैं सुप्रिया से जी। मैं आपसे सवाल करना चाहती कि आपके फेवरेट सबसे फेवरेट डायरेक्टर कौन है और दूसरा है या आजकल मैंने सभी अच्छे अच्छे डायरेक्टर के साथ काम किया है जैसे स्टार्टिंग में अमिया चक्रवर्ती महेश कौल शाहिद लतीफ नंद लाल जसवंतलाल सुबोध मुखर्जी और मतलब तो अनगिनत टॉप डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है कुछ अंदाजा है आपने लगभग कितनी फिल्में की होंगी अब पचास साल में मल्टीप्लाइड बाय सिक्स शायद तीन सौ साढ़े तीन सौ फिल्में हो गई मैंने गिनी नहीं जी और आजकल के डायरेक्टर्स में कौन लगता है आपको कि सही लोग हैं कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं संजय लीला बंसाली मैंने ब्लैक देखी बहुत बढ़िया पिक्चर मतलब इट पोएट्री और उनकी सारी पिक्चर जो भी मैंने देखी सारी पिक्चरें देखी हैं इट इज लाइक इट देर सो लिरिकल बहुत खूबसूरत वो हैं फिर फरहान अख्तर है फिर राजकुमार संतोषी है ये इस बहुत सारे हैं मतलब मैं नाम नहीं लू तो उनको बुरा लगेगा लेकिन जो भी इस उम्र में जो मुझे याद आता है। जी मैं ये जानना चाहती थी कि हाँ, ये जो फरहान अख्तर या संजय लीला भंसाली इस जनरेशन के साथ आपने किया है काम आपको मौका मिला है आजकल एल्डरली लोगों को काम बहुत कम मिलता है उनको डर रहता है कि पिक्चर शुरू करें और बीच में कहीं लुढ़क तो नहीं जी, ऐसे तो क्या कह रही हैं <laughs> नहीं नहीं, नहीं।, नहीं। एक नहीं। मुझे लग रहा है कि स्क्रिप्ट में भी अंतर यह आया है कि पहले जैसे आपने और महमूद साहब ने जो फिल्में की हैं पैरेलल कहानियां चलती थी तो अब वो दौर कैसे क्यों खत्म हो गया वो टाइम्स चेंज ना उसके साथ पद बदलाव तो आता ही है हर हर क्षेत्र में आता है अभी फिल्मों में हीरोज ही सब कॉमेडी करने लगे हीरोज ही विलेन ही करने लगे तो फिर कॉमेडियंस को कोई चांस रहता नहीं ना अगला फोन पुणे से है संतोष का हेलो संतोष हेलो हाँ जी शुभा जी से तो नमस्ते पहले नमस्ते क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया अनाड़ी फिल्म में नोटिस से भी अच्छा काम किया थैंक यू थैंक यू और उनको ये पूछना था कि राज साहब से काम कर राज साहब के साथ काम करते वक्त आपको कैसा लगा बहुत अच्छा लगा वो भी बहुत ही फ्रेंडली थे सेट पे और फिर उनके स्टूडियो में शूटिंग हुआ करती थी तो ऐसा था कि उनके कॉटेज में खाना साथ में बैठना और ही वाज वेरी फ्रेंडली और काम के काम के वक्त भी बहुत मदद करते थे शूटिंग के टाइम पे लेकिन उनका भी और गुरुदत्त जी का भी मैंने नेचर नोट किया है कि कभी वो डायरेक्टर को सिखाते नहीं थे जबकि वो दोनों खुद बहुत अच्छे डायरेक्टर्स थे खुद बहुत अच्छे डायरेक्टर्स थे लेकिन वो कभी डायरेक्टर को नहीं कहते थे कि ये शॉट ऐसा मत लो या ऐसा करो ऐसा जो भी डायरेक्टर बोलता था करते थे डायरेक्टर्स भी कभी जानना नहीं चाहते थे कि आप यानी राज कपूर या गुरुदत्त जैसे इंसान को डायरेक्ट करना ये जे। तो उसको करना अच्छा नहीं।, नहीं आपने कभी इस तरह से कोई चीज महसूस की हो कि नहीं मैं इस शॉट को इस तरह दू या इस कैरेक्टर को ऐसे निभाऊँ तो आप अपने डायरेक्टर से कहती थी इतने बड़े लोग नहीं बोल सके तो मैं कैसे बोलती <laughs> नहीं, क्यों कभी कभी नहीं, ऐसा नहीं, नहीं होता नहीं, because नहीं। as I say, director को होता को मालूम है कि ये character ऐसे जाना चाहिए इसको ऐसे यही करना चाहिए सो ही नोज बेस्ट हम लोग चार पांच पिक्चर और करते हैं तो वी आर ऑल अप वी डेट नो एग्जैक्टली वॉट योर कैरेक्टर तो आप यूरि जो कुछ डायरेक्टर का उनकी बात सुनी <laughs> जाए अच्छा आपने ज्यादातर कॉमेडी रोल ही किए हैं पर दीदी फिल्म में यानी जब कभी कोई बहुत भावुक या बहुत गंभीर किस्म का सीन करना हो तो आपको ज़्यादा मेहनत उसके लिए करनी पड़ती थी या सच बताऊं कॉमेडी इज मोर डिफिकल्ट बिल्कुल सीरियस रोल बस सीधे सीधे डायलॉग भी बोल लो और अच्छे डायलॉग हो तो सुभा जी मैं यही पूछना चाहती थी कि इतने बढ़िया शब्द इतनी अच्छी धुन एक कलाकार को कितना सहारा मिलता है इससे उससे तो फीलिंग्स अपने आप उभर आती है ना हम्म हम्म लेडिक्स बहुत खूबसूरत हुआ करते थे तो, कहीं इन चीजों को आज के दौर में आप मिस अच्छा करती हैं अच्छा ये इस गाने का मुझे जहां तक मुझे याद है इस गाने की ट्यून सुधामलोत्रा ने खुद दी थी जी सुधामलोत्रा हां

हाँ मुझे एक बात पूछनी है आपको पूछिए कि आप आप जैसे कॉमेडी रोल करती है वैसे ही आ, आपकी बेटी क्यों कर रही है आपको कैसा लगता है नहीं शायद उसकी टाइमिंग भी बहुत अच्छी है मेरी तरह तो, हा, तो, तो वो हाँ, काम तो सच में बहुत बढ़िया चल कर रही है लेकिन जो If she is good at it, I think she gets those offers and she does. और आपने आपने मेरे ख्याल से वो

सीरियस रोल के साथ साथ वो कॉमेडी उन्होंने बहुत खूबसूरत की है यानी अपने यहाँ जो कॉमेडी के लिए लोग जिन चीज़ों का सहारा लेते हैं वो भावना ने नहीं किया है यस वो बहुत खूबसूरत और मुझे लगता है वो नाना और माँ से और फिर भावना तक पहुँचा है इन बॉन वो बहुत खूबसूरत मुझे बताइए कि आपने भी फिल्मों में इतनी व्यस्तता थी फिर आप छोटे पर्दे की तरफ टेलीविजन की तरफ किस तरह आना हुआ एक्टिंग इज एक्टिंग आप टेलीविजन में करो या फिल्म्स में करो या स्टेज पे करो, I am, I am mm -hmm. मैं स्टेज पर भी काम करती हूँ तो आपने कहा एक्टिंग एक्टिंग है अभिनय अभिनय है पर फिर भी मीडिया फिर भी आप इन्हें किस तरह से अलग अलग हिस्सों में बांटिएगा एक आर्टिस्ट के लिए क्या अंतर आ हाँ, जाता है इन तीन मीडिया में अब देखिए स्टेज इज लाइक लॉन्ग शॉट में सारा काम करना है तो दैट इज वाई एक्शन कंफर्टेबल हाथ कहाँ रखूँ कहाँ देखूँ किस तरफ देखू रिएक्ट करूँ नहीं करूँ ऑन टेलीविजन इट इज अ स्मॉलर सिनेमा जो सिनेमा में आप फिल्मों में एक्टिंग करेंगे उससे थोड़ा सा कंट्रोल करके टेलीविजन करना कंट्रोल इन द सेंस मतलब कम कम इंटेंसिटी जी जी पर यहाँ पर एक साथ ज्यादा काम हो रहा है सीरियल में यानी कंटिन्यूटी ज्यादा मिल जाती है ऐसा लगता है आपको कि क्योंकि रोज अगर कोई सोप ओपेरा है रोज आना है तो ज्यादा वक्त आपको देना होता होगा मैं फिलहाल कोई सोप ओपेरा नहीं कर अच्छा, रही हूं तो आपने जो सीरियल नहीं, के आपने कहा नहीं के नहीं वो कंटीन्यूअस

कि वो एक परिवार जैसा बन जाता है जब आप सीरियल कर रहे हैं वही चीजें फिल्मों में भी लागू होती है अच्छा तो, क्योंकि मैंने कहा ना सीरियल तो 20-20 घंटे काम करना पड़ता है लोग लोगों का मूड खराब हो जाता है चिड़चिड़े हो जाते हैं थक जाते हैं तो हुँ. इतना मूड कंटिन्यूस नहीं रहता कभी जी जी तो कंटिन्यू हरियाणा से आपके लिए फोन है दिलबाग का हेलो 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 हाँ जी जी नमस्कार नमस्कार पहले वाले एक्ट्रेस में और अब वाले एक्ट्रेस में आपको क्या फर्क लगता है जी पहले वाले एक्ट्रेसेस जो हैं पहले की नायिकाएं और आज वाले में क्या अंतर आपको लगता है हीरोइंस जो हैं पहले शायद वो ब्लैक एंड वाइट का जमाना था हीरोइंस यूज्ड टू लुक वेरी नेचुरल मेकअप कम बाल जो भी मतलब जो कैरेक्टर को सूट हो ऐसे बाल बनते थे फॉल्स आई नहीं होते थे और ज्यादा मेड अप नहीं लगती थी लड़की मतलब जो कैरेक्टर वो करती थी उसमें वो समझ आती थी वो शूट करती थी अभी नहीं। ऐसा नहीं कि कोई देहात की लड़की है वो पूरा लिपस्टिक और आई लैश और घुंग मतलब हेयर स्टाइल वगैरह ऐसे नहीं हुआ करता था उस जमाने में मुझे लगता है वो जो उस तरह की फिल्में थी बंदिनी और सीमा जिस तरह नूतन जी ने कहा कि आजकल की पता नहीं कितनी हीरोइंस वो उस तरह से रह पाएंगी तो आपको लगता है कि आजकल की जो हैं ज़्यादा ज़्यादा लगती है, प्लास्टिक लगता है।, <laughs> है तो तो लगता तो हम बैठे तो मैंने कहा मैं तो शुरू से वो ब्लैक एंड वाइट वाले में भी आपके बाल ऐसे वाले ही रहते थे और अभी भी बहुत अच्छे लगते हैं <laughs> वो, you, तो पर वो पहले क्या इस तरह से जब हीरोइंस जब होती थी स्क्रीन पर

हे भी कंपनी की हुआ करती थी हम्म हम्म आज तो हर एक के साथ पूरी फौज चलती है नहीं सिर्फ हमारे साथ उस वक्त लेकिन एक कोई साथ में ले जा सकते थे कहीं आउटडोर जाना हो तो माँ को या भाई को नहीं नहीं, नहीं इस तरह नहीं मैं जैसे नहीं, स्टाफ, पर, नहीं, स्टाफ नहीं स्टाफ नहीं ऐसा नहीं था तो आप लोग जो कुछ जिस तरह आपको संवारा जा रहा है आप लोग तैयार रहते थे हम लोग अपना खुद भी खुद ही करते थे क्योंकि समझ गए थे हम लोगों की कैरेक्टर क्या है क्या करना है तो आपने देखा होगा अक्सर में दो चोटियाँ रहती अच्छा ये बताइए कि आज जब आप कोई रोल करती हैं लोग आपके पास आते हैं आप उस रोल में क्या ढूंढने की कोशिश करती हैं क्या होना चाहिए कि आप वो करेंगी स्कोप होना चाहिए रोल में या तो एक्टिंग का स्कोप हो या पूरा सब्जेक्ट के साथ लिंक हो कैरेक्टर का रोल के अलावा और आप किस चीज आपका रोल बढ़िया है उसके अलावा आपको और क्या इंपॉर्टेंट लगेगा पूरा चीज पूरा ग्राफ जो है वो सही होना चाहिए एक ही ही एक, ए एक ए अच्छा रोल होने से फायदा नहीं है पूरा टीम वर्क सही होना चाहिए निशुभा जी देखिए ऐसा है कि आज तो ये है हर एक का सपना होता है कि किसी तरह मीडिया से जुड़े इतना नाम है ग्लैमर है चमक दमक है पैसा हो रहा है ना सब कुछ है लोग चाह रहे हैं पर जब आप यहाँ पर आई थी तब तस्वीर ऐसी नहीं थी उस जमाने में एक अच्छे परिवार की पढ़ी लिखी लड़की का इस प्रोफेशन में आना लोगों ने आपको किस नज़र से देखा क्या लोगों का क्या रिएक्शन था नहीं बाय द टाइम आई केम पीपल लाइक मेरी बुआ जी थी दुर्गा शी वॉज एन एजुकेटेड लेडी लीला चिटनेस वोज ए बी एम ए ग्रेजुएट

आपका आपका वो प्रोफेशन और घर गृहस्थी इन दोनों में तालमेल कैसे आप बैठा पाए एक तो जब मेरे बच्चे हुए तब मैं मैंने ज्यादा काम नहीं किया नहीं। और मैंने कभी बच्चों के लिए आया नहीं रखी बिल्कुल नहीं, नहीं।

शूटिंग के दौरान का कोई भी अच्छा सा किस्सा हमें बता दीजिए कोई दिलचस्प किस्सा कोई शूटिंग के दौरान शूटिंग के ऐसे? दौरान दिलचस्प तब मेरे शूटिंग के दौरान तीन एक्सीडेंट्स हुए हाँ तीन एक्सीडेंट्स हुए सीमा में जो साइकिल का सीक्वेंस था उसमें शायद आपने नोटिस किया हो मेरी साइकिल पूरी उलट के दूसरी तरफ गिरी और मेरा पूरा फेस छिल गया था टांके पड़े ए? थे और एक दो तो महीने तक मैं शूटिंग नहीं कर पाई थी ऐसा भी लगा था कि ये शक्ल ठीक नहीं होगी और मैं काम नहीं कर पाऊंगी तो पहली ही फिल्म 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 में पहली अच्छा दूसरी फिल्म एक महीने मराठी पिक्चर की शूटिंग कर रही थी प्रभात स्टूडियो में उसमें वो डेकाइड का रोल था और वो हीरो मुझे अरेस्ट करके जीप में बिठा के लेके जाता तो जीप ऊपर गई वो वहां चढ़ाई तो वापस आते वक्त ब्रेक्स फेल हो गए जीप के और जीप जाके एक पेड़ से टकराई और मेरा पूरा पैर ये कट गया था गैंग्रीन हो गया था ओह नो और तीसरा हाँ, रिसेंटली हुआ ये मेरा हाथ में ऐसे गिर गई तो पूरा वजन हाथ पे आया गया मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए देखिए हाथ टेढ़ा हो गया तो शुभा जी <laughs> बताइए कि पहली ही दो फिल्मों में ऐसे खतरनाक एक्सीडेंट

तो काम चल गया अच्छा हम आपके पारिवारिक जीवन की बात कर रहे थे तो जब तक बच्चे छोटे छोटे रहे तो कभी ऐसा मौका नहीं आया कि लगा कि मैं यहाँ पर सेट्स पर हूँ मुझे घर पर होना चाहिए था इस समय हाँ मन तो करता था लेकिन तो इवन माय डायरेक्टर्स सब समझते थे कि मेरे से ज़्यादा काम नहीं लेते थे मुझे जल्दी छोड़ देते थे और बहुत ही एक दो पिक्चर ही की मैंने उस, मैं उस, अच्छा। उस टाइम पे तो बस एक मिली की एक बेनाम किया अच्छा तो एडजस्ट हो जाता था गुजरात से फोन है प्रीति का हेलो प्रीति हेलो हेलो हाँ, हाँ जी मैडम मैं शोभा जी से बात करना चाहती हूँ हाँ बोलिए मैडम इस वक्त मैं शिप पर हूँ एक्चुअली गुजरात कोस्टल एरिया में अच्छा, और हाँ। लकीली मेरा सिग्नल कैच कर रहा था आपका प्रोग्राम इसलिए मैंने आपको कॉल किया है एक्चुअली मैडम मैं सबसे पहले आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहती थी कि आप काफी खूबसूरत लग रही हैं एक पर्टिकुलर सॉन्ग है मुझे अभी तक याद है मैंने आपका तो मूवी देखी थी दैट वन मिस आगत आपकी तस्वीर के साथ आपका एक सॉन्ग है ना देखो हाँ। घूर के <laughs> ऐसे करके कुछ था हाँ। हाँ। आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं थैंक यू थैंक यू और दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहती थी की आपकी जो आ, बुआ जी है आपकी दुर्गा खोटे जी, हाँ जी? आ, वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है तो क्या कोई ऐसी बात आप उनके बारे में बता सकती हैं जो जनरली हम लोग नहीं जानते हैं अपनी बुआ के बारे में नहीं नहीं बस मैं इतना बता सकती हूँ कि वो मेरी बुआ जी भी थी और चाची भी थी तो मेरे बुआ जी मेरी बुआ जी मतलब मेरे पिताजी की कजिन थी वो उनका सरनेम लाड़ था। और मेरी ग्रैंड मदर का सने में लाड़ था तो दैट इज व्हाई शी वाज हिज कजिन और शी मैरिड अ खोटे ओके वो मेरे पिताजी के पिता अपने पिताजी की तरफ से कजिन नहीं, थे नहीं, हाँ। तो इसलिए वो मेरी चाची भी थी और बुआ जी भी थी और ज्यादा हमारा मिलना जुलना नहीं होता था क्योंकि वो भी बिजी रहती थी और मैं भी बिजी पर तो भी कहीं सेट पर आपको सेट पर कभी मिले तो पर कहीं पर आपको ऐसा लगता था आप इस प्रोफेशन में आई तो परिवार की एक महिला वहाँ पर है बिल्कुल बहुत ही मतलब उनके लिए इंडस्ट्री इतना रिस्पेक्ट है इंडस्ट्री को उनके लिए बहुत ही तो आप तो 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 ग्रेट एक्टर डांसर कॉमेडियन रुलाते भी बहुत अच्छा थे अच्छा ऐसे इज वेरी इजी पर फिर भी एक कॉमेडियन को सीरियस रोल करने के लिए बहुत तब जो उनकी इमेज होती है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ दैट हाँ हाँ तो आगर साहब कर पाते थे उस चीज को खूबसूरती से अगला फोन अनिल का है फिर पुणे पुणे से से अमित अमित से, हा, 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 अमित हेलो हेलो जी हा, मेरा सवाल ऐसा है की विजु जी के साथ आपने आज तक कितनी फिल्मों में काम किया है या सीरियल्स में काम किया है और आपका जो एक भाई बहन का जो एक अच्छा एक रातो है वो तो बहुत कम दिखाई देता है और उसके लिए भी कांग्रेट्स आपको थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू कितने फिल्मों में आ, सीरियल्स तो काफी किए जवान संभाल के में काम किया हम लोगों ने साथ में फिर अभी फिलहाल हम लोग एक मराठी सीरियल कर रहे हैं उसमें भी भाई बहन है हम लोग और नहीं। काम बहुत किया मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है और फिल्में ढेर सारी नहीं फिल्मों में नहीं किया दोनों ने दोनों ने साथ में किया नहीं। ही नहीं।, नहीं क्या बात कर रहे हैं होना चाहिए याद कीजिए काफी काम किया है लेकिन वो फिल्मों में है या सीरियल्स में मुझे अभी याद नहीं आ रहा मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में बहुत कम एक शायद मुमताज और उनका भाई रुपेश कुमार और आप ही दो भाई बहन हैं तो, साथ उनका हाँ, टाइमिंग वगैरह बहुत अच्छा तालमेल जमता है इट्स वेरी इजी ये मराठी एक तो मेरी मराठी सवान इतनी साफ नहीं इतनी आसानी से नहीं बोल सकते इसलिए जब हम लोग साथ में काम करते तो इट इज वेरी इजी निकल जाता है ये तो मराठी साफ मतलब आप लोग घर में ज्यादा मराठी में बोलना मराठी बोलते थे लेकिन मतलब व्हाट आई से इज हम लोग पैसा देकर नहीं सीखे मराठी अच्छा गवर्नमेंट <laughs> तो स्कूल में गए थे ना तो मराठी का इतना जोर नहीं था घर में बीच में सब और दूसरी दिशा में हम लोग चले गए हम परिवार की बात कर रहे थे ये बताइए जब बच्चे छोटे-छोटे थे आपके आज तो माशाल्लाह सब अपने-अपने बढ़िया सेटल हो चुके हैं उस दौर में कभी बच्चों को माँ से शिकायत होती थी या दे वर वेरी प्राउड ऑफ कि यस वी आर शुभ या कभी ऐसा था औरों और मम्मा तो इतना कर रही है और हमारी मम्मी कहाँ है इस समय ऐसा कभी कोई नहीं, शिकायत नहीं, ये तो, तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा क्योंकि मैं बता नहीं सकती क्यों बच्चों ने कभी कोई आपसे कोई शिकायत नहीं, नहीं की बच्चों ने तो इसका मतलब मानना पड़ेगा कि शुभा जी बहुत अच्छी माँ है शायद बट यू बच्ची नहीं क्योंकि ज्यादातर ये होता है कि जब माँ किसी प्रोफेशन में बहुत ज्यादा आगे जा रही हैं कहीं पर बहुत मुश्किल होता है ये दोनों चीजों को संभाल पाना आपको लगता है आप संभाल पाई हैं हाँ मुझे लगता है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं और दैट आई आई ब्रॉट देम अप वेल होप बिल्कुल बिल्कुल तो जाता <laughs> है को आपकी बेटी के बारे में तो हम सब जानते हैं अपने बेटों के बारे में बताइए मेरा बड़ा बेटा तो यहाँ नहीं है इज़ इन द स्टेट्स लेकिन मेरा दूसरा बेटा है इज़ अ वेरी सॉर्ट आफ्टर साउंड रिकॉर्डिस्ट उसको जुबेदा का साउंड रिकॉर्ड्स का अवार्ड मिला था wow, और ही इज़ डूइंग ऑल टेलीविज़न शोज लाइव प्रोग्राम्स, म्यूजिकल सभी वो करता है मास्टर वगैरह इज वर्किंग श्यांबा निगल जी के आई थिंक uh, सारे फिल्म में वो ही करता है mm -hmm. with, uh, भारत एक खोज तब इससे ये इस बताइए कि भावना का फिल्म लाइन में आ जाना महज एक इतफाक था या ये उसका सपना था कि यही आना फिल्म लाइन में नहीं है इस तरफ शे... एक्टिंग सॉरी अभिनय के क्षेत्र में सॉरी अभिनय में आ जाना वो भी आ, वो नहीं चाहती थी कि फिल्मों में आए या सीरियल मतलब एक्टिंग वांटेड टू बिकम अटरनरी उसको जानवरों का बहुत शौक है मतलब एनी एनिमल अभी हमारे कंपाउंड में हमारे यहाँ mm -hmm. तो फिर एक बार कहीं में, कभी मेरे साथ जाती भी नहीं थी स्टूडियो में शी नेवर लाइक टू गो फॉर शूटिंग्स कहीं नहीं एक शो के लिए मेरे साथ गई थी वो और रिहर्सल में कभी कभी आया करती थी और एक लड़की आई नहीं उस दिन जे. तो उससे कहा कि तुमको तो मालूम है रोल कैसा है बॉटम सब शायद उसमें छोटे छोटे सीन्स हुआ करते थे ना तो उससे कहा कि तुम करो और स्टेज पे जाने के बाद जो ऑडियंस का अप्लॉज और रिएक्शन जो उसको मिला उसके बाद वो चस्का लग गया चस्का लग गया आफ्टर ऑल इट इज़ इन द ब्लड तो बिल्कुल बिल्कुल आ, तो माँ बेटी बैठकर कभी एक दूसरे के अभिनय को लेकर चर्चा होती है कैसा किया या कैसा करना चाहिए था नहीं, नहीं। मैंने कभी उससे कहा नहीं कि ऐसे करो वैसे करो आई थिंक शी इज वेरी गुड और कभी Ooh, आपके yeah. पास इतना इतना खजाना no, है वो तो उसको अपने आप मिल गया है ना थ्रू द ब्लड आप कोई टिप देना नहीं चाहते <laughs> कि नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं देती शी इज वेरी गुड नहीं उसको जरूरत नहीं डाउट अबाउट इट हम सब उस... उनकी तारीफ करते हैं पर एज अ मदर एंड दैट टू फ्रॉम लाइक उसी

हॉबीज में गिना और बड़ी खूबसूरती से आप उसे हमें प्रेजेंट प्रेजेंट हंट सबसे फेवरेट फास्ट टाइम है मैं कुकिंग अच्छा वो तो मुझे देख के ही पता चल जाता है नहीं, नहीं। <laughs> लेकिन दैट इज माय लेटेस्ट हॉबी स्विमिंग साइकिलिंग तो अभी बंद कर दिया स्विमिंग करती हूँ और टेलीविजन बहुत देखती हूँ फिल्में देखती हूँ हां थिएटर में जाकर देखना मैं ज्यादा पसंद करती अच्छा तो आजकल के दौर के कौन से हीरो हीरोइन आपको लगते हैं कि हाँ ये लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं अमिताभ बच्चन को कोई छू नहीं सकता दिलीप कुमार अमंग द मैन सेड मैंने ब्लैक देखी जी रानी ने कमाल का रोल किया कमाल का किया। और उर्मिला है अच्छा

अगला मुंबई से ही आपके लिए बोरीवली से प्रीति प्रीति का आप दोनों को नमस्ते नमस्ते जी जी नमस्ते जी. नमस्ते शुभे कामत तो का मनौ। आजी मावशी आज पास सीढ़िया अभिनय बढ़ू अगर खुश होता है सवाल सभी गाँवी सग पिक्चर मध्य इवन मरा सुधा तुम्हें प्रोजेक्ट जी सुखी बारा क्या कुछ हो रहा है आप हिंदी में जवाब दे दीजिए बोला, आगे, बोला, आगे, बोला। आगे, आगे क्या है, है। भविष्य में क्या योजनाएं हैं मैं ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ मेरी अपने खुद की कंपनी है जिसके मैं प्लेस करती हूँ थिएटर तो मैं उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ और जो प्रोजेक्ट्स है वो जैसे आएंगे मैं करती जाऊँगी बिकॉज तो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैव टू अप्रोच मी तभी मैं काम करूंगी हम्म तो ये पर अभी भी यानी कोई तय नहीं है ऐसा नहीं है कि कॉमेडी रोल ही हो जैसी जो चीज़ आएंगी सामने हाँ शुरू में लेकिन मैं नहीं चाहती थी शुरू में मैंने बहुत रिफ्यूज किए हैं अनसिम्पथेटिक रोल्स मुझे अच्छा नहीं लगता था कि किसी को थप्पड़ मारो या किसी को लात मारो तो मैंने काफ़ी रोल्स रिजेक्ट किए लेकिन फिर वापस आने के लिए एक दूजे के लिए कर <laughs> ही ले, लेती ना कुछ भी अच्छा ऐसा कोई जरूरी नहीं लेकिन रोल अच्छा हो नहीं तो फिर मजा नहीं आता हम्म तो बस हम तो यही चाहते हैं कि जितनी व्यस्तता इन पचास सालों में रही आई एम ऑलवेज बिजी तो कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ तो फिर लुकिंग फॉर स्क्रिप्ट अपने प्लेस के लिए वर्किंग ऑन न्यू सब्जेक्ट आप खुद डायरेक्शन वगैरह भी कर डायरेक्शन तो मैं खुद बिकॉज माई फादर वॉज अ वेरी गुड डायरेक्टर और वो स्क्रिप्ट भी लेके अच्छी तरह से एडिट करके डायरेक्शन करते थे तो वो भी मैंने उनसे सीखा mm -hmm. तो बस तो हम तो अब यही चाहते हैं कि ये जो पचास साल इतने व्यस्तता के रहे अगले पचास साल भी बहुत व्यस्तता वाले हाँ, व्यस्तता वाले हो तो ठीक है, नहीं, तो चाहिए। है बहुत अच्छे अच्छे रोल्स आपके लिए आए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद